वेलकम बैक दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैमरे की ISO, अपर्चर और शटर स्पीड के बारे में। दोस्तों, जब कभी भी आपने अपने DSLR से कोई फोटो क्लिक की होगी, उस समय आपने देखा होगा कि या तो आपकी फ़ोटो लाइट हो जाती है या फिर आपकी फ़ोटो डार्क हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि कैमरे के लेंस के जरिए जो लाइट कैमरे के सेंसर के ऊपर पड़ती है, या तो बहुत ज़्यादा होती है या फिर बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से हमारी जो फ़ोटो है वो या तो कभी लाइट हो जाती है या कभी डार्क हो जाती है। तो आपको इन समस्या से बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। कैमरे में जो 3 सेटिंग्स होती है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाती है DSLR में। इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये 3 सेटिंग्स कौन कौन सी होती है? दोस्तों, सबसे पहली होती है अपर्चर, इसके बाद में शटर स्पीड और तीसरी जो सेटिंग्स है वो है ISO। अगर इन तीनों सेटिंग्स का बैलेंस बनाना आपको आ गया तो आपकी फ़ोटो 100% सही आ जाएगी। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इन तीनों सेटिंग्स को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे और इनका बैलेंस बिठाना आपको प्रॉपर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आपको इन तीनों सेटिंग्स को रखना है और किस तरीके से इनका बैलेंस बिठाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं इन तीनों सेटिंग्स के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरी डिस्प्ले पे एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के जरिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँगा किस तरीके से हमें अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को मेंटेन करना है। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप अपर्चर को देख रहे होंगे, अपर्चर यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ इमेज बनी हुई है और इसके नीचे अपर्चर वैल्यू भी दी हुई है। अब इसको हमें किस तरीके से सेट करना है? अगर आप देखेंगे कि जितनी बड़ी अपर्चर वैल्यू होगी उतनी हमारी जो इमेज है वो शार्प आती है और जो पीछे का बैकग्राउंड है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे आप अपर्चर वैल्यू को डाउन करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो फोकस में रहता है बट जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होता जा रहा है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से थोड़ा डिस्टेंस पर खड़ा कीजिए जिससे आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। और अगर आपको बैकग्राउंड और आपका जो फ़ोटो है या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपको बराबर फोकस में लेना है तो आपको अपर्चर वैल्यू को बड़ा रखना पड़ेगा, जैसा कि F11, F16 इस तरीके की अपर्चर वैल्यू आपको सेट करनी होगी, तब जाके आपकी फ़ोटो है वो प्रॉपर तरीके से आएगी। इसके बाद है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं 1/2 लेता हूँ और कोई सब्जेक्ट हमारे कैमरे के सामने से गुजरता है तो वो ब्लर हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि जो कैमरे में शटर स्पीड होती है वो सब्जेक्ट को फ्रीज कर देती है। फ्रीज से मतलब है कि जैसे हम अपने कैमरे का बटन प्रेस करते हैं तो जो सब्जेक्ट हमारे सामने से गुजरता है या जो मूवमेंट कर रहा है उसको वो लॉक कर देता है। तो उसको लॉक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी शटर स्पीड है उसको हम मिनिमम 125 से और 1000 तक रख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट एक जगह स्थिर है तो आप 125 रख लीजिए, और अगर आपका सब्जेक्ट तेज़ी से इधर उधर मूव कर रहा है तो आप 500 यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो गया अपर्चर और शटर स्पीड। अब बात करते हैं ISO की। आप देख रहे होंगे कि ISO हमारा यहाँ पर 100 है तो हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। अगर हमें अपनी इमेज में लाइट चाहिए तो हमें 200, 400 या 800 कर लेना है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है, आप जो कैमरा यूज कर रहे हैं उसमें जो ISO लेवल है वो कहाँ तक जाता है। हर एक कैमरे का जो ISO लेवल है वो मेंटेन होता है। जैसे कि आप D3200 ले लें, D3300 ले लें, तो ये जो कैमरे होते हैं ये 1000 तक शटर स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमारी फ़ोटोज़ में ग्रेन्स आ जाएंगे, जैसा कि आप इस लास्ट वाली फ़ोटो में देख रहे हैं।
अगर आप 7000 वाली सीरीज का कैमरा यूज कर रहे हैं तो आप ISO को 1500 तक या 2000 तक ले जा सकते हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि हमारा सब्जेक्ट स्थिर है, मूव कर रहा है, या फिर उसमें लाइट कितनी आ रही है, या फिर वो फोटो डार्क आ रहा है या फिर लाइट आ रहा है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को देखना है और वो सेटिंग्स आपके कैमरे में कर लेनी है। अगर ये सेटिंग आप प्रॉपर तरीके से समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ़ोटो क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका फ़ोटो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने तीनों सेटिंग्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि किस तरीके से हमें ISO, अपर्चर और शटर स्पीड को मेंटेन करना है और किस पोजिशन में हमें इनको रखना है, तब जाके हमारी जो फ़ोटो है वो परफेक्ट आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो इसी तरह की जानकारी आप मेरे चैनल पे आगे भी देखते रहेंगे।